हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। सो आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर जो है, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक पेपर DSC 3, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया वाला जो पेपर है। ये पेपर में आपका जो है क्या क्या सिलेबस है और सिलेबस के साथ साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, और उनके आंसर्स का कि आपको कैसे उनके आंसर करने हैं और उनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे और कैसे आपको उनके आंसर तैयार करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग वीडियो है जिसमें कि आप जो है आपको मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर बताए हैं, जिसमें कि अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जितनी भी वीडियोज़ में मैंने बताए हैं, लगभग वही पेपर अभी तक आया है। और आगे बढ़ने से पहले जो है, जिसने भी अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक और शेयर कर ले। तो आइए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, में भारत में राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद का जो ये पेपर है, इस पेपर में सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका सिलेबस। तो इस सिलेबस में जो है आपकी 5 यूनिट दी हुई हैं। इन 5 यूनिट में जो सबसे पहली यूनिट है आपकी, यूनिट 1, ये है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में इसमें बताया गया है, जिसमें कि जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है मेन प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद से के संदर्भ में जो है कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म। इसके बाद जो बात की जाती है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद के लेके जो उपागम है उसमें जो है नेशनलिस्ट है, इंपरलिस्ट है, मार्क्सिस्ट है एंड सबोल्टन्स है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट थी। इस फर्स्ट यूनिट में जो है ये इंपॉर्टेंट जो है पूरी की पूरी आपकी यूनिट है, जिसमें कि कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो आ जाती है हमारी यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो है वो है कॉलोनिज्म, कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट इज़ इम्पैक्ट, जिसमें से फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड कॉलोनियल स्टेट, सेकेंड है कॉलोनियल आइडल आइडियोलॉजी फॉर सिविलाइजिंग मिशन, यूटिलिटेरियनिज्म एंड मिशनरीज, ठीक है। जो कि पहला तो यह है कि जो संवैधानिक जो विकास हुआ है कॉलोनियल टाइप में उसके बारे में, और दूसरा ये कि जो सभ्य बनाने वाली जो थ्योरी है किनकी, ब्रिटिशिस की, जो कि उपयोगितावादी है वो, और उसके साथ मिशनरी वाली। और थर्ड जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के ऊपर, लैंड के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के ऊपर क्या इसमें इम्पैक्ट पड़े हैं कॉलोनियल टाइम में। इसके बाद यूनिट 3 है, यूनिट 3 के अंदर जो है रिफॉर्म एंड रेसिस्टेंस है, जो कि 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, एंड थर्ड वन इज एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो इनकी 1857 की जो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और कुछ सामाजिक जो है आंदोलन हुए, जो कि रिलीजियस और सामाजिक आंदोलन के तौर पर मेजर आंदोलन हुए, और उसके बाद जो है शिक्षा और जो है शिक्षा का जो रोल है और शिक्षा कैसे जो है राइज हुई, और इसमें मिडिल क्लास का जो राइज कैसे हुआ, इसके बारे में इस यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। यूनिट नंबर 4 जो है वो है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट्स सोशल बेस। तो इसके अंदर फेजेस ऑफ द नेशनलिज्म है, जिसमें लिबरल है, फिर स्वदेशी, फिर रेडिकल, तो फिर इसमें मुस्लिम लीग है, गांधी जी के जो मास मोबिलाइजेशन है, नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के से टू नेशन थ्योरी है। फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो है वह सोशल मूवमेंट्स है, जिसमें कि पीजेंट्स है, ट्राइबल्स है, और उसके बाद है वर्कर वुमेन्स एंड एंटी कास्ट वुमेन्स, एंटी कास्ट मूवमेंट्स। तो ये आपकी टोटल मिला के 5 यूनिट्स हैं। तो इन 5 यूनिट्स में ये आपका सिलेबस हुआ। इसके बाद जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, जो अपकमिंग आपका जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, उससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये पेपर है आपका कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है, यानी कि DSC। इस DSC पेपर में आपको ये तीनों में, यानी कि जो DU से, SOL से और NC वेब से जो भी ऑनर्स कोर्स कर रहा है
बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, उसका ये पेपर है। तो उससे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है 90 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम आएगा आपका, और 3 आवर यानी कि 3 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ लेनी चाहिए, जिसमें 2 से 4 सेकेंड का 2-4 सेकेंड का टाइम लगेगा। आपको जस्ट रीड आउट कर लेने कि कितने क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, बस 2-4 मिनट तो 2-4 सेकेंड का ही टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ये है कि जैसे आपको रोल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो ऑन द टॉप ऑफ ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, तो आपको उसमें क्या लिख लेना है, रोल नंबर लिख लेना है। सेकंड क्या है इसमें कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं या 8 में से 5 करने होते हैं। उसके बाद आता है आपका कि ऑल क्वेश्चन कैरिंग इक्वल मार्क्स, यानी कि अगर 90 मार्क्स का पेपर है और 5 क्वेश्चन करने हैं तो आपका एक मार्क, एक जो क्वेश्चन होगा वो अराउंड 18 मार्क्स यानी कि 18 मार्क्स का जो है आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हमने, हमारा जो मीडियम है वो इंग्लिश है, ठीक है, लेकिन हमें ये पेपर है हिंदी में देना है। तो वो दे सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो हिंदी में इस पेपर को दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हिंदी मीडियम वाले और वो इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इस पेपर को कि इंग्लिश में हम करें तो वो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज को लेके कोई बैरियर नहीं है, लेकिन एक ध्यान में रखने वाली चीज बात यह है कि बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर, यानी कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो पूरा पेपर हिंदी में हो, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो पूरा पेपर इंग्लिश में हो। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो है यूज कर सकते हैं, जैसे सबल्टर्न वर्ड हो गया, तो सबल्टर्न वर्ड का जो एग्जैक्ट अगर आपको वर्ड नहीं पता है हिंदी में क्या कहते हैं तो सबल्टर्न ही लिख सकते हैं। जैसे कि लिबरल है तो उसको उदारवाद लिखते हैं हम, लिबरल उदार, तो अगर लिबरल भी लिख रहे हैं तो चलो, तो वर्डिंग लिख सकते हैं लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, वर्डिंग, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स लिखना है तो कार्ल मार्क्स को इंग्लिश में कार्ल मार्क्स लिखा जा सकता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको, लेकिन कुछ वर्डिंग ही यूज कर सकते हैं आप हिंदी वाले स्टूडेंट। लेकिन यानी कि आपने पूरा जो एक क्वेश्चन हिंदी में ही इंग्लिश में ही कर दिया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, पहला तो आपको रोल नंबर लिख लेना, दूसरा 5 क्वेश्चन आएंगे, तीसरा सभी के मार्क्स इक्वल है, और चौथा जो है वो है आपका लैंग्वेज को लेके कि अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखें। लेकिन इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट हैं और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसमें कोई बैरियर नहीं है। तो आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, इनके कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि एग्जामिन इम्पेरियलिस्टिक एंड सबल्टर्न अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद के अध्ययन और समाजवादी और अपुष्ट उपागमों की परीक्षण कीजिए। तो इसमें आपको राष्ट्रवाद क्या है इसको बताना है, और इसी के साथ साथ में इसके अध्ययन की जो पद्धति है, इसके अध्ययन की जो 2 पद्धति हैं, एक तो किस कौन सी इम्पेरियलिस्टिक और दूसरी है सबल्टर्न अप्रोच, तो दोनों की दोनों अप्रोचेस को आपको इसमें डिफाइन करना है, इसके बारे में पूछा गया। यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ सकता है कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में उपनिवेशवाद पर मार्क्सवादी और उपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में, इनकी उपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आपको इसके अंदर जो मार्क्सिस्ट है और पोस्ट कॉलोनियल यानी कि उत्तर औपनिवेशिक जो शासन रहा है उसके उसका जो आलोचनात्मक वर्णन करना है इस प्रश्न के अंदर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, एक तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यूटिलिटेरियन जस्टिफाई ब्रिटिश रूल इन इंडिया विद द आइडियोलॉजी ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन एलोबरेटेड, ठीक है, यानी कि बोला जा सकता है कि जो उपयोगितावादियों ने भारत में अंग्रेजों के शासन को सभ्य बनाने के जो मिशन है, सभ्य बनाने की, हम सिविलाइज करने आए यहाँ पर, के विचार के आधार पर सही साबित करे कि व्याख्या कीजिए। उन्होंने इस चीज को ये साबित करा कि सिविलाइजिंग मिशन, ये हमारा सिविलाइजिंग मिशन है थ्रू मिशनरीज, थ्रू जिस तरह भी उन्होंने उनको अच्छा लगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चाहे तो मिशनरी बेस पे आ सकता है, ये क्वेश्चन चाहे आपका यूटिलिटेरियन बेसिस पे आ सकता है। तो
तो इसमें सिविलाइजिंग वर्ड जरूरी नहीं है कि सिविलाइजिंग वर्ड ही आपको आएगा, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, यूटिलिटेरियन जस्टिफिकेशन या मिशनरी जस्टिफिकेशन बेसिस पे आ सकता है कि अंग्रेजों ने अपने शासन को यहाँ पर अपने शासन को यहाँ पर क्या बोलते हैं, विचार को अपने व्याख्यात्मक रूप से यहाँ पर साबित करने के लिए हमें क्या बोला कि आपको हम सभ्य बनाने आए हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, अफ्रीका की कंट्रीज़ के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर देखा जा सकता है, जहाँ पर भी जो ब्रिटिशेस गए तो उन्होंने यही किया कि सिविलाइजिंग वाइट्स मैन बर्डन वाला जो कॉन्सेप्ट है कि गोरे आदमियों का कर्तव्य है कि वह जो है हम जैसे जो जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको सुधारे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है वो है डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी कॉलोनियल रूल, यानी कि 20वीं सदी और औपनिवेशिक शासन के दौरान, 20वीं सदी और औपनिवेशिक शासन के दौरान जो प्रमुख संवैधानिक विकास हुए उनके बारे में बताना है कि संवैधानिक विकास किस किस प्रकार से हुआ और वो जो संवैधानिक विकास है जो कॉलोनियल टाइम का विकास जो हुआ था उसके से लेकर, ठीक है, वो पूरा लेकर औपनिवेशिक 20वीं सदी यानी कि जब हम आज़ाद होने तक का पूरा इसके अंदर बताना कि कौन कौन से जो है एक्ट आए और उन कौन कौन से एक्ट का जो है आज तक भी वो एक्ट के थ्रू, जैसे कि 1935 एक्ट है जो, उसका आज भी भारतीय संविधान के ऊपर क्या गहरा प्रभाव है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इन इंडिया ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज ऑन एंड इकोलॉजी एग्रीकल्चर एंड लैंड रिलेशन। तो ये हो सकता है कि ये सारे इम्पैक्ट पूछ लिए जाएँ, डायरेक्ट ये पूछा जाए कि एग्जामिंग द इम्पैक्ट ऑफ द ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो आपको ये चारों इम्पैक्ट बताने हैं जो उसमें इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट हुआ, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर एंड फोर्थ वन लार्ज लैंड रिलेशन इम्पैक्ट, या ये फिर जो है आपसे दो दो करके पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल एंड इकोलॉजिकल जो है जो इम्पैक्ट है वो क्या है, एग्रीकल्चर लैंड इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, तो भारत में जो उद्योग और पारिस्थितिकी या कृषि या भूमि पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो स्टेटमेंट ये है कि द नेशनलिस्टिक डिस्कोर्स इन द 19th सेंचुरी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनसाइट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एग्जामिन। तो ये कहा गया कि 19वीं सदी में जो राष्ट्रवादी विमर्श सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की अंतर्दृष्टि और अनुभवों से प्रभावित था, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में, जो सोशल रिलीजन जो रिफॉर्म हुए उसको लेके जितने भी मूवमेंट हुए उन मूवमेंट्स को लेके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, जो कि डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, यानी कि आपसे सीधे तौर पे भी पूछ रहा है और थोड़ा घुमाकर भी पूछ रहा है, लेकिन इसमें आपको जो है सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए मूवमेंट जो हुए सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेकर वही आपको इसके अंदर बताने हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे कि पूछा जा सकता है वो है रिवोल्ट वाला, 1857 रिवोल्ट वाला, तो उसमें कॉजेस एंड इफेक्ट पूछा जा सकता है या डिस्कस द रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट, या ये पूछा जा सकता है कि 1857 रिवोल्ट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉर। ठीक है, तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप जो है 1857 रिवोल्ट वाला जो चैप्टर है, जो आपका चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ के जाए। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन द राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो हो सकता है शॉर्ट नोट में भी आए, तो आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन ही तैयार करके जाए। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार है तो आप शॉर्ट क्वेश्चन बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो मध्यम वर्ग के उत्थान में मध्यम वर्ग का जो उत्थान हुआ में शिक्षा की क्या भूमिका है, या ये डायरेक्ट शिक्षा से भी क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट मध्यम वर्ग से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप दोनों को रिलेट करके पढ़ लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जो है दोनों तरीके के अलग सेपरेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वो भी कर सकते हैं, और दोनों जो है इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है,
ये एक स्टेटमेंट है और जिसमें कहा गया है कि इन द फर्स्ट 30 ईयर, ठीक है, इन द फर्स्ट 30 ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज मैंडेट मैंडिकेंट ऑर्गेनाइजेशन विद लिटिल वैरायटी, ठीक है, यानी कि पहले अपने पहले 30 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कम जीवन शक्ति, ठीक है, कम जीवन शक्ति वाला एक भिक्षुक संगठन था। तो यानी कि इसमें आपको जो है विचार विमर्श करना है, बताना है, पूरा आंसर बताना है, इसमें पूरा वही बताना है आपको कि कैसे कांग्रेस पार्टी का उत्थान हुआ, फिर उसमें किस किस तरीके से उन्होंने काम किया, और शुरुआत के जो 30 साल है, यानी कि जो 30 साल है उसमें उन्होंने किस प्रकार का जीवन यापन किया और उनकी पार्टी ने कितना ग्रोथ किया, इसके बारे में आपको पूरा बताना है। यानी कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके जीवन शक्ति यानी कि आजादी के टाइम से लेकर यानी कि शुरुआत के 30 इयर्स का जो लेकर है उसमें किस तरीके से उनका योगदान रहा, इसके बारे में पूछा गया। या इसमें कांग्रेस पार्टी से ना पूछकर ये पूछ लेंगे कि जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा, उनकी नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का, उनके फंक्शंस का, उनकी पॉलिसीज का रोल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपने कांग्रेस के बारे में थोड़ा पता है उस और कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय आंदोलन में और जो है स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से उनका योगदान है, इसी तरीके से जो सोशलिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसके बारे में अगर आपको पता है कि इनका किस प्रकार से योगदान है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली डिस्कस है गांधी जी के मूवमेंट के ऊपर। तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, इनकी भारत में स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के महत्व पर चर्चा कीजिए। ये गांधी जी से रिलेटेड है, तो आप गांधी जी के जो 4 इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जैसे नॉन कॉपरेशन है, खिलाफत है, क्वेट इंडिया है, ठीक है, तो ये 3 4 अगर आप पढ़ लेंगे तो इजीली आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद इसी में ये भी पूछा है, मास मोबिलाइजेशन से पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट वाज गांधी रोल इन मोबिलाइजिंग पीजेंट एंड वुमेन्स इन द नेशनलिस्ट वुमेन नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन में किसानों और महिलाओं को संगठित करने में गांधी जी की क्या भूमिका रही। तो गांधी जी वाला जो चैप्टर है आप बिल्कुल पढ़ ले, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एग्जामिन द रोल प्लेड बाय द इंडियन वुमेन ट्राइबल वर्कर्स इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं का, आदिवासियों का और जो श्रमिक वर्ग है उनकी क्या भूमिका निभाई और उनकी भूमिका का क्या योगदान है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, गांधी और ये सारे मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी ये वर्ग है, इन वर्ग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100% जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द कम्युनलिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और यह क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द इमर्जेंस ऑफ द कम्युनलिज्म इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। द्विराष्ट्र सिद्धांत के निर्माण में सांप्रदायिकता की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। या ये इस तरीके से आ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय और राष्ट्रीय आंदोलन पर इसके क्या प्रभाव पड़े, उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये जो है पूरा वही मुस्लिम लीग वगैरह ये जो हुआ, फिर उसके बाद टू नेशन थियरी आई, पूरा उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है, जैसे कि मुस्लिम लीग के गठन के लिए कौन उत्तरदायी है उस विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको पूरा बताना है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस ये इसका मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ, फिर इनकी क्या डिमांड थी, फिर वो पूरा पाकिस्तान वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया टू नेशन थियरी, एक हिंदुस्तान एक पाकिस्तान, ठीक है,
तो इस तरीके से आपको बता देना है। तो ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, यही 10 क्वेश्चन लगभग 100% यही क्वेश्चन जो है आएंगे। थोड़ा वर्डिंग चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताए हैं, यही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप जो है इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, इनके आंसर्स आपको कैसे देने हैं, आंसर देने का तरीका क्या है, क्योंकि अभी तक जो आपने आंसर लिखे हैं उस आंसर के लिखने में और आपका जो 18 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर हम इसी पेपर की बात कर ले कि 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो कॉमनली स्टूडेंट्स के बीच में ये क्वेश्चन होता है कि सर कितने पेजेस का आंसर लिखे, कितना कंटेंट डाले, क्या करे क्या ना करे, तो उसके लिए जो है मैं अभी बताऊंगा आपको। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको अभी बताए हैं, अब उनके आंसर आपको कैसे करने हैं। आंसर करने का जो एक तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि आपने अगर उस तरीके से आंसर को करा है तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो उसको करने का ये तरीका है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको आंसर करने का क्या तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप उस तरीके से अगर आप आंसर करेंगे तो आप अपने नंबर्स में इंक्रीजमेंट देखेंगे, काफ़ी अच्छा आपको मार्क्स मिल सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वही एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होता है आंसर लिखने का। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ सबसे पहले, कि सबसे पहले आपको जो है परिचय या प्रस्तावना, ठीक है, ये लिख लेनी है, ठीक है। कम से कम इसको आधा पेज या एक पेज की जो है जो प्रस्तावना है यानी कि परिचय है उसको लिखे। इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि अगर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद की व्याख्या कीजिए भारत के उपनिवेशवाद के संदर्भ में, या राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए जो विभिन्न दृष्टिकोण है, जैसे कि औपनिवेशिक है, राष्ट्रवादी है, मार्क्सवादी है, एवं निम्न वर्गीय व्याख्या है, तो आपको क्या है कि इन सबको पूरा एक्सप्लेन कर देना है। फिर जो है क्रिटिसिज्म बताना है, जिसको हम बोलते हैं आलोचना, और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। सेम इसी तरीके से फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए भी शुरुआत में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिख के फिर पूरा बॉडी बनाना है आंसर का, कि आपको क्या क्या इसमें डालना है वो उसके अंदर लिखिए। इसके बाद आप जो है क्रिटिसाइज कीजिए, एंड देन कंक्लूजन। ये जो आपका चार पार्ट में मैंने आंसर बताया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड मेन बॉडी, थर्ड जो है वो आपका जाएगा क्रिटिसिज्म, एंड फोर्थ जो आपका जाएगा कंक्लूजन, इनके परिचय, मुख्य पृष्ठ, और उसके बाद जो है आपका आ जाएगा आलोचना, और उसके बाद निष्कर्ष। इस तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का होगा, और जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो दोनों पार्ट वाला जो आंसर है वो मैं बता रहा हूँ, जिसमें साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद की व्याख्या, भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, औपनिवेशिक, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय, तो मेन प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कॉलोनियलिज्म, जिसमें आपका आएगा लिबरलिज्म, उसके बाद मार्क्सिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न पोस्ट कॉलोनियलिज्म। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जो है इस बात को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय बता देना है। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है, जैसे कि अगर आप देखें तो ये बुक जो है, ये बुक आपको मिल जाएगी इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और जो है ये दिल्ली विश्वविद्यालय के SOLs के द्वारा दी गई बुक है, जो कि SOL के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास ये हार्ड कॉपी में मिली होगी उनको। अगर हार्ड कॉपी में नहीं मिली है तो SOL की वेबसाइट से मिल सकती है। और जो अदर स्टूडेंट है जिनको ये बुक का नहीं पता है कि ये बुक क्या है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की बुक है, जो कि SOL की तरफ से दी जाती है, और ये एक तरीके के नोट्स की तरह होते हैं कि स्टूडेंट अगर इसको भी पढ़ ले, इनफ है उसके लिए, कोई अलग मटेरियल पढ़ने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। इस बुक को जो है बहुत ही विख्यात प्रोफेसरों के द्वारा लिखा जाता है, तो आप जो है इसी बुक को पढ़े तो बेस्ट रहेगा। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि इस बुक को, अगर ये बुक आपको नहीं मिल रही है तो ये मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल है, और उस टेलीग्राम के चैनल से आप इस बुक को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो इसमें जो है साम्राज्यवाद प्रभुत्व का एक रूप है, और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति मानव सभ्यता के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। प्राचीन काल से लेकर छोटे छोटे जनपदों एवं नगर राज्यों के साथ स्थान पर विशालकाय राज्य स्थापित होते चले गए, और इसका एक बड़ा कारण साम्राज्यवाद है। और प्राचीन मानव सभ्यता केंद्र मिस्र, चीन, भारत, मेसोपोटामिया जैसे छोटे राज्य
धीरे धीरे साम्राज्य का रूप धारण करते चले गए और पड़ोसी राज्यों के अधीन शक्तियों की विस्तारित में साम्राज्यों का जो है मुख्य अंग बनते चले गए। तो आपको बेसिकली जो है मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जो आंसर्स हैं जो लिखना है ये बुक को, तो आपको सीधा चैप्टर वाइज ये जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो सब चैप्टर वाइज हैं और आप इजीली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपको सेम इंग्लिश में वही इंट्रोडक्शन लिख दिया है कि कॉलोनियलिज्म इज अ वे टू डोमिनेशन एंड सबोर्डिनेशन वेयर वन कंट्री एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड ओवर द अदर कंट्री, ठीक है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। अ कॉलोनी इज एज अ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस डिफाइन एज अ कंट्री आर ए कंट्री और एरिया अंडर द फुल एंड पार्शियल कंट्रोल ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है। यानी कि एक देश का दूसरे देश के ऊपर चाहे तो थोड़ा सा या पूरे रूप से किसी भी प्रकार का जो है कंट्रोल होना, ठीक है, या उसके अंडर में, ठीक है, तो ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है, यही कॉलोनियलिज्म है, यानी कि उपनिवेशवाद है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को बता देना है कि ये क्या होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो यह साम्राज्यवाद का विदय उदय और स्तार, फिर आपको इसमें कुछ साम्राज्यवाद की कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, तो जैसे कि सुमेन है, बर्सन है, बुखरीन है, लेलिन है, तो लेलिन की जब वो क्या हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक है, तो आपको इसमें बता देना है। फिर साम्राज्यवाद के सिद्धांत है कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत आए, जैसे कि हॉब्सन सिद्धांत है, रोजा लेक्जमबर्ग का सिद्धांत है, फिर उसके बाद लेलिन का सिद्धांत है। तो जो लेलिन की बुक है द हाइएस्ट स्टेज ऑफ द कैपिटलिज्म, ठीक, इंपीरियलिज्म द हाइएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, इसके अंदर लेलिन ने ये बताया है कि किस तरीके से जो है साम्राज्यवाद फैल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आया था आपका उपनिवेशवाद जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनियलिज्म आपको सेम वही करना है कि इसकी परिभाषा बता देनी है, परिभाषा कौन कौन सी उपनिवेशवाद की, फिर क्या क्या विशेषताएं होती हैं उपनिवेशवाद, और किस तरीके से जो राष्ट्रवाद है, फिर यानी कि इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, फिर आपको राष्ट्रवाद क्या है राष्ट्रवाद के बारे में बता देना है कि राष्ट्रवाद को समझने से पहले राष्ट्र को समझना आवश्यक है, और राष्ट्र उस राज्य को कहते हैं जिसके निवासियों में राष्ट्रीयता की भावना विद्यमान हो और परस्पर एक होने की अनुभूति हो, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक भावना है, एक आस्था है जिसके अनुसार संबंधित समुदाय, परंपरा, इतिहास, स्थान, जाति, भाषा, धर्म व संस्कृति के आधार पर एक माने जाते हैं या एक मानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है ये आपका कॉलोनिज्म का बाद में नेशनलिज्म, और कॉलोनिज्म के बाद नेशनलिज्म का ये हो जाएगा। इसमें भी आपको जो है अर्नेस्ट गैलनर की जो डेफिनेशन है उन्होंने क्या क्या बोला है इसके अंदर, और जो उनकी गैलनर की जो बुक है नेशन एंड द नेशनलिज्म उसके बारे में भी आपको इसके अंदर बता देना। फिर एंडरसन है तो एंडरसन की जो है उसमें इमेजिन कम्युनिटीज में उनकी जो बुक है रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्प्रेड नेशनलिज्म, फिर उसके बाद स्मिथ है द एथनिक ओरिजिन ऑफ नेशन। तो आप मैं जो ये बुक के नाम और थिंकर्स के नाम बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपके आंसर को और ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल देते हैं। आपके आंसर को स्टैंडर्ड लेवल देने का इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको टीचर को ये समझ में आ जाता है कि भाई बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे ने जो है कम से कम देखा है कि कौन से थिंकर जो है या किस कौन कौन से जो फिलोसफर है, कौन कौन से विचारक जो है नेशनलिज्म में आते हैं यानी कि राष्ट्रवाद में, कौन से उपनिवेशवाद में यानी कि कॉलोनिज्म में, और कौन से जो है आपके इस तरीके से आते हैं, ठीक है, साम्राज्यवाद इंपीरियलिज्म के अंदर, ठीक है। तो इससे एक तरीके से पता चल जाता है कि इनका जो स्टैंडर्ड है काफी हाई है। इसके बाद जो है राष्ट्रवाद के अध्ययन के जो विभिन्न दृष्टिकोण, तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो दृष्टिकोण है वो उपनिवेशिक या कैम्ब्रिज दृष्टिकोण माना जाता है। तो इसी तरीके से हम सेम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर देख सकते हैं। तो इसमें जो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉलोनिज्म, फिर नेशनलिज्म के अंदर जो अप्रोचेज है कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो ये जिस तरह आप देख रहे हैं लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कॉलोनियल, तो इसमें हम सबसे पहले लिबरल, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपना आंसर इसमें दे सकते हैं।
लास्ट में ये चीज ध्यान रखें कि अगर आपको इस आंसर में कंक्लूजन देना है, आलोचना देनी है, तो आप इसमें इजीली आलोचना लिखें और उसके बाद जो है आप जो है उसमें लास्ट में समरी यानी कि आपको निष्कर्ष जरूर देना है। ये जो समरी लिखा होता है इसको आप निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि इसमें छोटा सा लिखा है, लेकिन आप वहां पर अपना अपने जो है आंसर और टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है इसको समराइज कर सकते हैं, यानी कि अपने आंसर में जो लिखा उसको कंक्लूज यानी कि कंक्लूड कर सकते हैं। निष्कर्ष लिखना जरूरी है, जरूरी इसलिए है ताकि आपका आंसर का जो स्टैंडर्ड बना रहे। इसके बाद जो है सेकंड जो क्वेश्चन है वह भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव भारत के ऊपर कैसे पड़ा। तो इसमें जो पहला चैप्टर आता है वो आता है संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक राज्य। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ इसमें उसको बताया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जैसे कि संवैधानिक विकास क्या है, कंपनी का शासन क्या हुआ, क्राउन कब क्राउन का शासन, फिर सत्ता हस्तांतरित कैसे हुई, फिर संविधान का निर्माण, फिर औपनिवेशिक विरासत, इस तरीके से आपको इसके अंदर पूरा का पूरा अपना आंसर बता देना है। तो ये जो बुक है आपकी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का चैनल है, उससे आप ये बुक इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे दो क्वेश्चन का आंसर बताया, इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, उनके आंसर कर लेने हैं, इस बुक में आपको इजीली मिल जाएंगे। ये आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आप इजी एक बार जरूर वीडियो देख ले एग्जाम देने से पहले, आपको काफी हेल्पफुल रहेगी जिससे कि आप अपना एग्जाम काफी अच्छे से कर पाए। मैं एक बार मोटे मोटे तौर पर जो है सभी यूनिट्स के बारे में फिर से बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है हमारी वह साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद वाला जो चैप्टर है उससे है। इसके बाद जो है सेकेंड यूनिट है उसमें तीन चैप्टर दिए हुए हैं इनकी, भारत में औपनिवेशिक शासन और उसका प्रभाव, तो संवैधानिक विकास और औपनिवेशिक जो औपनिवेशिक राज्य है इसके अंदर जो जैसे ही संवैधानिक विकास यानी कि हम कंपनी रूल फिर ये वो देखते हैं, टोटल जो उसमें पूरा आ जाएगा कंपनी रूल आ जाएगा, फिर उसके बाद उसमें संवैधानिक विकास के लिए क्या क्या चरण आए, फिर सत्ता का हस्तांतरण हुआ, क्राउन हुआ, सत्ता के हस्तांतरण के बाद संवैधानिक विकास हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, फिर इस तरीके से पूरा पूरा सुंदर बता दिया गया है। इसके बाद है सभ्यता के मिशन की औपनिवेशिक विचारधारा जिसको हम उपयोगीवादी एवं मिशनरी के तौर पर जानते हैं, यानी कि इसको जो है वो कॉलोनियल आइडिया ऑफ सिविलाइजिंग मिशन यूटिलिटेरियन एंड मिशनरीज। तो इसमें बेसिकली जो बताया गया है कि जो वाइट्स मैन बर्डन का जो कॉन्सेप्ट है कि यानी कि गोरे आदमियों का कर्तव्य है कि वह दुनिया के उन इलाकों को जो है सभ्य बनाए जो कि असभ्य हैं, ठीक है। तो यहाँ कहने का जो है सीधे तौर पर जो है ब्रिटिश ने इंडिया को अनसिविलाइज यानी कि नॉट इंडिया पूरे जहाँ भी उनका ये कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको अनसिविलाइज डायरेक्ट अनसिविलाइज कहा, क्योंकि अगर वो खुद को सिविलाइज मानते हैं, ठीक है, और उसको ये जो है अपने शासन को जो है जो वैध साबित करने के लिए वैलिड करने के लिए हमें क्या बोल दिया उन्होंने कि हम सिविलाइज मिशन के थ्रू यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद तक कृषि भूमि संबंध औद्योगिक एवं पारिस्थितिकी प्रभाव, कृषि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है ये आप सभी जानते हैं, जमींदारी व्यवस्था ये व्यवस्था फिर ये कर की व्यवस्था कितनी बुरी हो गई थी ये आप जानते हैं, फिर भूमि संबंध जो है, उसके बाद उद्योग है, उद्योग में किस तरीके से इंक्रीजमेंट भी हुआ और डिक्रीजमेंट भी हुआ, फिर उसके पारिस्थितिकी यानी कि एकदम इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, और सुधार एवं प्रतिरोध जिसमें 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, और उसका जो उसकी शुरुआत हुई थी उसको कैसे क्या क्या कारण रहे हैं, किन किन कारणों से वो शुरुआत हुआ और फिर किन कारणों से वो जो है परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो उस तरीके के इसमें पूरा बताना है। फिर भारत में प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए, फिर शिक्षा एवं नए मध्यम वर्ग का उदय, शिक्षा के क्षेत्र में गुड डिस्पैच से लेकर आपको सारा बताना है कि किस किस तरीके के सुधार हुए और मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ वो शिक्षा के तर्ज पर ही हुआ। इसके बाद जो है फोर्थ यूनिट है वो है राष्ट्रवादी राजनीति और इसके इसका जो सामाजिक आधार का विस्तार। तो इसमें जो है सबसे पहले कि राष्ट्रीय आंदोलन में के जो चरण है जिसमें उदारवादी चरण है, फिर संविधानवाद है, फिर आपका स्वदेशी है, उग्रवाद है, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना है, फिर
फिर उसके बाद जो है आपका गांधी जी आ जाएंगे, गांधी जी और जन आंदोलन। तो गांधी जी जन आंदोलन जो है जिसमें कि सविनय आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ आंदोलन है, और फिर आपका खिलाफत मूवमेंट है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत वाला जो चैप्टर है एक बार वो ध्यान से पढ़ लेना, द्विराष्ट्र सिद्धांत एवं सांप्रदायिक वाला जो कम्युनलिज्म वाला है, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता को ही जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जोड़ा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेट करते जाते हैं कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है और सांप्रदायिकता क्या है। और लास्ट जो यूनिट है वो है सामाजिक आंदोलन, जिसको सोशल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो सोशल मूवमेंट है इसमें जो है हम बेसिकली चार तरह के मूवमेंट देखते हैं। पहला जनजातीय एवं किसान का जो आंदोलन है, श्रमिक एवं महिला आंदोलन है, और जाति विरोधी आंदोलन है। तो इस तरीके से एंटी कास्ट मूवमेंट है, वर्कर्स एंड वुमेन्स मूवमेंट है, सोशल मूवमेंट पीजेंट एंड ट्राइबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से करके ना आपका ये पूरा का पूरा जो है एग्जाम इजीली हो जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के लिंक्स में जाकर जो है आप उस चैनल पर जाकर आप अपनी इजी से ये जो बुक है दोनों हिंदी और इंग्लिश में इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख ले, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आने हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।